श्रीलंका क्रिकेट की भ्रष्टाचार रोधी इकाई ने घरेलू 20 डट लीग मैच के दौरान मैच फिक्सिंग के संदेह में दो भारतीय दर्शकों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों को इन दोनों की गतिविधियों पर संदेह हुआ, जो गॉल और डांबुल्ला के बीच पालेकेले में चल रहे मैच के दौरान अपने मोबाइल फोन से लगातार कॉल करते हुए दिखे। श्रीलंका क्रिकेट के अधिकारी ने कहा, हमें इन दोनों भारतीयों के व्यवहार पर संदेह हुआ और भ्रष्टाचार रोधी इकाई अधिकारियों ने आगे की जांच के लिए इन्हें पुलिस को सौंप दिया। गौरतलब है, कुछ दिन पहले ही श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट प्रमुख तिलंगा सुमतिपाल ने पत्रकारों से कहा था, अर्जुन और अरविंद के नाम का जिक्र मैच फिक्सिंग में लिया गया था। उन पर किसी गुप्ता से $15,000 लेने का आरोप लगा था। उस समय श्रीलंका क्रिकेट प्रशासन को रणातुंगा और डी सिल्वा द्वारा मैच फिक्सिंग करने के आरोपों की शिकायत की जांच नहीं करने का दोषी ठहराया गया था। इस पर सफाई देते हुए रणातुंगा ने कोलंबो में डी सिल्वा की मौजूदगी में संवाददाताओं से कहा था, हमने कभी रिश्वत नहीं ली और हमने कभी मैच फिक्स नहीं किए। गौरतलब है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने दो दिन पहले ही मैच फिक्सिंग को लेकर एक संदिग्ध अनिल मुनावर की तस्वीर जारी कर उसे पकड़वाने की अपील की थी।